जय हिंद साथियों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जनपद आजमगढ़ और लालगंज विधानसभा के कार्यकर्ता, एक जुझारू कार्यकर्ता कह लिया जाए, सत्ता रहे चाहे ना रहे, ये समाजवादी के एक पक्के सिपाहियों में इनका नाम शुमार होता है। ये जुम्मन साहब हैं, लालगंज विधानसभा से जो माननीय बिचई सरोज जी विधायक हैं, मतलब कार्यकर्ता, हम उनकी कैसी पैठ है, वो क्या चाहते हैं जीतने के बाद? अभी वो तो विजय हो गए हैं, आप लोग उनसे क्या चाहते हैं? उनसे बहुत अपेक्षा हम लोग चाहते हैं। जैसे कोई खेत में या अवैध कब्जा कर रहा हो, अगर थाने पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो मैं किसके यहाँ जाऊँ? जी है जी, शासन प्रशासन चाहे बीजेपी को या किसी को, सबके लिए है जी, है। मगर हम लोग बड़ा उम्मीद उनको जिताए थे, बिचई सरोज जी को जी। हमने उनसे मदद मांगी, उन्होंने हलो हलो करके मोबाइल हमारी काट दी। हम लोग इलेक्शन में जी जान से एक दूसरे को जोड़ते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं जी। और ये जीतने के बाद जो है, केवल हाथ उठाने से काम नहीं होता है। हम लोग उनके दरवाजे पे जाते हैं, अपना काम अपना दुख लेकर, कोई सुनवाई नहीं। इलेक्शन में वो आपके पास आते हैं, जीतने के बाद आप लोग जाते हैं? हाँ बिल्कुल जाते हैं। जीतने के बाद आप लोग क्या आते भी नहीं? बिल्कुल, हम लोग उनके घर पर जाते हैं, बहुत उनसे विनती करते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा जो सही है, आप उस पर खड़ा उतरिए। आप तो ना गलत में जाते ना सही में जाते, तो विधायक के माने क्या है? मतलब आप कम से कम सही गलत में जाके सही का फैसला करें। उनको देखना चाहिए कि हमारे वर्कर को क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है क्या गलत है। हमको कोई गलत नहीं करना है, मुझको तकलीफ होगी तो जो अपने बड़े हैं मैं उनके पास जाऊँगा। लालगंज की जनता ने उनको चुनी है, लेकिन वो अब जनता के सेवक हैं, लेकिन वो सेवा नहीं कर रहे हैं। केवल वो स्कॉर्पियो से सेवक, और कोई ऐसा सेवक नहीं, हाथ उठाने से कोई नेता और ये नहीं होता है। तो आप क्या समाजवादी पार्टी से नाराज हैं या बिचई सरोज से? विधायक से नाराज हूँ, पार्टी से क्यों नाराज हूँ? अगर पार्टी से मैं नाराज रहता तो पार्टी कभी भी छोड़ दिया उसे। मैं विधायक से नाराज हूँ। धन्यवाद सर।